पूरे भारत में लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए देख दिल्ली सरकार में दिल्ली में आज अलग अलग विधानसभा में डीजल पेट्रोल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम मंगोलपुरी में मौजूद हैं। इधर आप देख सकते हैं जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार को खींच रहे हैं और लगातार ये दर्शाने की कोशिश करेंगे। लगातार बढ़ते पेट्रोल के दामों से ये भी काफ़ी परेशान हो गए। हमारे साथ में यहाँ के विधायिका हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं? लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं हो रहा। आज आप लोग 70 विधानसभा में इस तरह का मोर्चा संभाला हुआ है, क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कमियों जो कीमतों में बेताशा बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार की ओर से, ये एक बहुत जो है आम जन के ऊपर बेरहमी से एक कोरोना के अंदर जो आर्थिक रूप से परेशान हो उस पर एक और मार है। और आम आदमी पार्टी आज देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रही है और केंद्र सरकार से निवेदन कर रही है कि इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले और निम्न से निम्न स्तर पर जो है पेट्रोल और डीजल को लेकर आए। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज आप देखेंगे क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तेल और पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, वहीं पर हमारे देश भारतवर्ष के अंदर आए दिन मतलब पिछले 12 दिनों के अंदर 12 बार जो है तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। और आज स्थिति ये है कि जो डीजल हमेशा पेट्रोल से नीचे रहा करता था आज उसकी जो है कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई, तो बेहद शर्मनाक है केंद्र सरकार की हालत। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। जहां देश के लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, कोरोना महामारी पिछले 4-5 महीने से आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग घरों में बंद है, लॉकडाउन के चलते उनके काम धाम नहीं है, और ऊपर से फिर आप लोग कभी रसोई के दाम बढ़ा देते हो गैस के, कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हो, कभी डीजल की कीमतें बढ़ा देते हो। केंद्र सरकार अगर नहीं कम कर सकती तो इस्तीफा दे, और इस्तीफा देने के बाद जो है नई सरकार जो आएंगी वो सरकारें जो है पेट्रोल और डीजल के दाम उस तरीके से कम करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, यही आज हमारी मांग है देश भर के अंदर। और शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को और केंद्र सरकार को, जहां एक और सस्ता हो रहा है। पाकिस्तान जैसे देश ने जो है पेट्रोल के दामों में बेतहाशा गिरावट करी है, उन्होंने बोला है कि आमजन के ऊपर बोझ ना पड़े इसलिए हम पेट्रोल और डीजल के दाम घटा रहे हैं, वहीं पर हमारे मोदी साहब जो बड़बोले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कहानियां और जुमले आते हैं, वो लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं और उनके ऊपर नाजायज कीमतें बढ़ाकर थोप रहे हैं एक दिक्कत को, एक परेशानी को। और आप देख रहे हैं लोग किस तरह से रस्सी से गाड़ी खींचने को मजबूर, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में गाड़ियां घरों में होंगी और लोग पैदल या साइकिल की यात्रा करेंगे। मांग आपकी सही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मांग इस तरह की आप कर रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, आज आपने एक दिन भी सुनिश्चित किया है। आम आदमी पार्टी ने हर जगह विरोध हो रहा है, यदि आज के बाद में भी कोई संज्ञान नहीं लिया केंद्र सरकार ने तो इसके आगे क्या स्टेप रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये गूंगी बहरी सरकार है, और आपने बिल्कुल सटीक सवाल करा है कि इनके कानों पर आज के बाद भी कोई जू नहीं रहेगी, लेकिन हम भी देश के नागरिक और एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस देश के अंदर खड़े हैं। ऐसी गूंगी बहरी और ऐसी सरकार जो कि सिर्फ एक मत का अधिकार करते हुए तानाशाह के रूप में काम कर रही है, हम निरंतर एक मजबूत विपक्ष के रूप में बार बार इनको जगाते रहेंगे, आवाज देते रहेंगे, और जनता की आवाज बनकर इनके कानों के अंदर हम उनकी बातों तक पहुंचाते हुए उन चीज़ों को गुंजाते रहेंगे कि जरूरत है इसे कम करो कम करो कम करो। बिल्कुल, जिस तरह लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद लगातार डीजल पेट्रोल के दामों की वजह से जो जनता परेशान हो रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए आज आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 विधानसभाओं में इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। और एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं जो ये कार है, इको कार है, इसको रस्सों से बांध कर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं काफी दूर से खींच के ला रहे हैं। और इसको लाने का मकसद ये नहीं है कि इसको खींच के प्रदर्शन करना है, ये भी मकसद है कि जो आम आदमी है, जो गरीब लोग हैं, वो अब पेट्रोल और डीजल के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अपनी तरफ से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को कम करने में लगी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार अब इसके बाद क्या फैसला लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह लॉकडाउन है, लोगों की हालत खराब हो चुकी है, पैसे लोगों पर नहीं है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो बढ़ते दाम है इनको कम करने के लिए आज पूरी दिल्ली में विरोध भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी जगह जगह कर रही है। नसीम अहमद, डबल ए न्यूज, दिल्ली। अपने क्षेत्र की छोटी छोटी खबरों को देखने के लिए डबल ए न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम अपने सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं।